नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। अपने चाय को लेकर सुर्खियों में रहने वाली प्रियंका गुप्ता एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं। जी हां, आपको बता दें कि वो एक बार फिर सुर्खियों में है और अपनी चाय की वजह से नहीं, बल्कि उनका जो स्टॉल है वो अतिक्रमण के दायरे में आ गया है, जिस पर पुलिस प्रशासन ने कब्जा कर लिया है। वहीं आपको बता दें कि ये सारा सीन देखने के बाद प्रियंका गुप्ता अचानक से फूट फूट कर सड़कों पर रोने लगी। क्या है वो नजारा, पहले आपको दिखाते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको पूरी खबर। लेकिन मुझे गवर्नमेंट की हेल्प चाहिए। पटना के बोरिंग रोड पर ग्रेजुएट चाय वाली का स्टॉल अब नहीं दिखेगा। पटना नगर निगम ने गुरुवार को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में स्टॉल जब्त कर लिया। अपना स्टॉल उठता देख ग्रेजुएट चाय वाली प्रियंका गुप्ता सड़क पर फूट फूट कर रोने लगी। नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि इससे पहले भी स्टॉल को हटाया गया था, लेकिन दोबारा से उसी जगह पर स्टॉल लगाया गया, इस कारण से ये कार्रवाई हुई। वहीं प्रियंका गुप्ता का कहना है कि उससे कई बड़े अधिकारियों ने सपोर्ट करने का वादा किया था, पर फिर भी नगर निगम के लोगों ने कार्रवाई की है। ऐसे में उन्होंने सीएम नीतीश कुमार से एक दुकान की मांग की है। स्टॉल हटाए जाने पर प्रियंका गुप्ता फूट फूट कर रोई। प्रियंका का कहना है कि मैंने अपनी मेहनत से स्टॉल लगाया था, आज इसको उठा कर ले गए। सरकार हमें एक जगह दे जहां हम अपना स्टॉल लगा सके। बता दें कि प्रियंका ने वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से अर्थशास्त्र में स्नातक किया है। वो पूर्णिया की रहने वाली है। प्रियंका ने ग्रेजुएशन के बाद 2 साल कंपटीशन की तैयारी की, लेकिन नौकरी नहीं मिली। इस कारण एमबीए चाय वाले प्रफुल्ल का वीडियो देखा, उससे प्रेरणा मिली और चाय का स्टार्टअप खोला। वह 11 अप्रैल से चाय का ठेला लगा रही हैं। उन्होंने ठेले पर लिखा है ग्रेजुएट चाय वाली, पीना ही पड़ेगा। पहले ये ठेला पटना वुमेन्स कॉलेज के आगे लगाती थी, बाद में इसे बोरिंग कैनाल रोड पहुंचाया गया और उसके बाद अब ये नज़ारा देखने को मिल रहा है। तो देखा आपने, प्रियंका गुप्ता के लिए ये वाकई काफ़ी दुखद सीन है, जब उनके चाय वाले ठेले को अतिक्रमण के घेरे में ले लिया गया और इस तरह से उसे उठाकर दूसरी जगह ले जाया गया। आपको बता दें कि अब प्रियंका गुप्ता ने इस मामले पर सीएम नीतीश कुमार से मांग की है कि उन्हें एक बेहतर जगह दी जाए जहां पर वो फिर से अपने दुकान को लगा सके। फिलहाल सरकार अब इस पर क्या एक्शन लेती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहें न्यूज़ पीआर के साथ।